दोस्तों नमस्कार। खबर बिलौर कानपुर नगर से, जहां भारतीय विशाल हिंदू युवा सेवा संगठन द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण धमकियों, व्यवहार और हत्याओं को रोकने को लेकर भारतीय विशाल हिंदू युवा सेवा संगठन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन बिल्लौर उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की गई कि राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की तरह से कई घटनाएं देश में हो रही हैं, जिन पर नियंत्रण के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। हिंदुओं के साथ और हिंदू देवी देवताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो अक्षम्य है और असहनीय है, इसे नियंत्रण किया जाए। उपस्थित दर्जनों लोगों ने जिहादी मानसिकता और अपराधी किस्म के लोगों को दंडित करने की मांग की। उपस्थित आक्रोशित लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इस अवसर पर श्री कृष्ण कठेरिया, महेश शर्मा, विनोद अग्निहोत्री, सुशांत मिश्रा, ब्रह्मशरण, योगेंद्र शुक्ला, अमित शुक्ला, रोहित कुमार, सचिन कुमार, अशोक सिंह तिवारी, गौरव आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। उक्त अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष व कस्बा इंचार्ज के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। आइए जाने आक्रोशित युवाओं ने क्या कुछ कहा। बिल्लौर कानपुर नगर से समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। जब आप लोगों ने ये ज्ञापन दिया है अभी, क्या किस उपलक्ष्य में दिया है, क्या कारण है इसका? कारण है कि इस समय देश में जो स्थितियाँ बन रही है जी, कहीं हमारे जुलूसों पर, धार्मिक जुलूसों पर, धार्मिक अवसरों पर पथराव रहा है जी, कहीं हमारे धार्मिक स्थलों पर उनका अपमान किया जा रहा है जी, धार्मिक स्थानों पर कब्जा किया जा रहा है। इनके खिलाफ जब कोई हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज बोलता है तो उनके या तो कत्ल कर दिया जाता है, उनको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि आपने अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में एक घटना देखी, कन्हैयालाल टेलर को सरेआम उसके दुकान में घुस करके कपड़ा नपाने के बहाने और उसकी हत्या कर दी गई सरेआम बाजार में। और हत्या करने के बाद हत्यारों ने वीडियो वायरल किया, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जी को तक तो चुनौती दे दी कि हम आपकी भी हत्या करें। ये इस तरीके से निरंकुश हो चुके आतंकवादी जिहादी भारत में पल रहे हैं। आपने ये पत्र भेज करके जो उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा है जी, जी। क्या मांग की है इसमें? यही मांग की है, फांसी होना चाहिए कन्हैयालाल हत्यारों को, फांसी के अलावा कोई दूसरी हमको सजा नहीं। इसके साथ साथ जो ये जड़े हैं, कहाँ से ये ऐसा पनप रहा है मामला, उसके लिए पड़ताल करके जड़ों को समूल खत्म करने का प्रयास करना। सरकार इतनी निकम्मी है जो अभी तक का, वहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है कि अभी तक का हत्यारों को कोई वो नहीं किया गया। अभी पकड़े गए कायदे में, उसी के दूसरे दिन उनको पकड़ना चाहिए, उनको फांसी अब तक हो जाना चाहिए। हम हिंदू समाज की बस यही एक रिक्वेस्ट है, उनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। यदि समय से इस प्रकार की अगर यही कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस संगठन के माध्यम से विश्व पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका पूर्ण दायित्व तो हमारे शासन प्रशासन होता है। इसलिए हमारा पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी कि वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ऐसी पुनरावृत्तियाँ दोबारा होने ना पाएँ, ताकि ये हिंदू संगठन, हिंदू के लोग, लोगों को प्रताड़ित किया जा सके या उनकी हत्याएं हो सके। हमारा हिंदू जो धर्म बड़ा जो है उसमें है कोई, वहाँ की सरकार इतनी निकम्मी है कि उस सरकार से वहाँ के मुख्यमंत्री थे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं उसको फांसी दी गई? पकड़ा गया लेकिन उसको क्यों नहीं अभी तक फांसी दी गई है? हाँ जी बताएं। निरंतर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे धर्म का, हमारे धार्मिक स्थलों का मजाक उड़ाया जा रहा है और इसके खिलाफ कोई बोलता है कि जैसे कि अभी हाल ही में एक केस आया नूपुर शर्मा जी ने जी, इसके विरुद्ध बोल दिया। नूपुर शर्मा जी को गलत बताया जा रहा है लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि नूपुर शर्मा ने गलत क्या कहा, उसका खंडन जो ने सही किया है उस सही बात को आज तक सामने नहीं आया और नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही और उनके विरुद्ध जो लोग समर्थन, उनके समर्थन में जो लोग आते हैं उनकी हत्याएँ की जा रही है। तो इस तरीके से हमारे समाज का, हमारे धर्म का अपमान भी किया जा रहा है
और जो उनके खिलाफ बोलता है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, साथ में आतंकवादी जिहादी उनको जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, मारते भी हैं। तो इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से, माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेज रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं पर जल्दी से जल्दी रोक लगे, ऐसे पुनरावृत्ति दोबारा ना होने पाए, वरना संगठन देशव्यापी संघर्ष के लिए उतरेगा, सड़क पर उतर आएगा और इसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार। हमारी जो मातृशक्ति देश की है उसका हम हमेशा सम्मान किया गया जी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म की लगातार अवहेलना हो रही है। हमारी जो मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, देश के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है देशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कन्हैया लाल के प्यारों को फांसी हो, फांसी हो, बंद रहना है, बंद रहना है, बंद रहना है, कन्हैया लाल के प्यारों को फांसी हो, फांसी हो, बंद रहना है, बंद रहना है, बंद रहना है, कन्हैया लाल के प्यारों को फांसी हो, फांसी हो, कन्हैया लाल के प्यारों को फांसी हो, फांसी हो, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।